Okay, so hello and welcome to RP classes, our YouTube channel and offline lecture for 12th physics. 12th physics का semiconductor chapter जो है उसका एक rapid हम session देखने वाले हैं. शुरुआत में ही बता रहा हूँ मैं कि हम rapid session देखने वाले हैं. इसमें actually आप अपना textbook भी खोल के रखिए, मैं आपको बताऊँगा कि भाई हाँ textbook में आपको जो important चीज़ें हैं वो मैं बताने जा रहा हूँ. इसके ऊपर आपको थियोरी क्वेश्चन पूछते हैं और अगर क्योंकि वो पता नहीं होता तो आप लोगों से वो स्किप हो जाते हैं. इसके लिए मैं आपको इन शॉर्ट जो इम्पोर्टेंट पार्ट है उसका थियोरी के साथ सब एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ और उसको मैं लाइव स्ट्रीमिंग भी कर रहा हूँ, तो आपको बाद में अगर इसको देखना होगा बिना पढ़े क्विकली अगर चाहिए तो आप उसको देख सकते हो, बेटर रहेगा. बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर. आगे जाने से पहले मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा आई जस्ट गो लिटिल बिहाइंड लाइक वट वी हैव डन इन पी एन जंक्शन. पी एन जंक्शन क्या होता है? पी एन जंक्शन हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि इसे कहते हैं पी एन जंक्शन डायोड. इसमें से पी क्या होता है? पॉजिटिव साइड, एन इज द निगेटिव साइड एंड दिस कैरीज द करंट ओनली इन द फॉरवर्ड बायस कंडीशन. और इसी प्रॉपर्टी को यूज किया गया है हाफ वेव रेक्टिफायर एंड फुल वेव रेक्टिफायर. ठीक है, अब अगर ये हम ये उसका सिंबल होता है, इसके दो आउटपुट्स होंगे, मतलब दो पिन होंगे इसके, ये एक पिन होगा और ये एक पिन होगा, आउटपुट इनपुट ऐसा रहेगा, करेक्ट ना. लेकिन अगर हम यहाँ पे यहाँ पर हम देखें कि भाई इस इफ़ ए टॉक अबाउट द ट्रांजिस्टर एज द नेम सजेस्ट, ये जो नाम है उसका, वो नाम ही अपने को क्या बता रहा है भाई कि ये जो है ट्रांजिस्टर, मतलब दिस हैज गॉट द थ्री टर्मिनल्स. ठीक है ना, दिस हैज गॉट थ्री टर्मिनल्स. कौन से तीन टर्मिनल्स होते हैं? ये तीन टर्मिनल्स होंगे. अब ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है. इस डायग्राम के अंदर इन्होंने बराबर उल्टा दिया है, दिस इज पीएनपी. पता नहीं आपके यहाँ पे क्या प्रिंट है, बट दिस इज पीएनपी एंड दिस इज एनपीएन. एग्जैक्टली उल्टा दिया है, ठीक है ना, बराबर है. मैंने बराबर वो पॉइंट आउट मैंने तुम्हारे इधर बराबर दिया है कि गर्ल करेक्ट करके दिया है. ओके फाइन, तो मैंने जो लेटर भेजा था उसका फायदा हो गया. एनीवेज कमिंग बैक टू तो पी एन जंक्शन जो होता है ना, ये दो बैक टू बैक अगर पी एन जंक्शन हम यहाँ पर लगा दे, मतलब कोई नहीं, यहाँ पर अगर मैं और एक ट्रांजिस्टर ले लूँ, सॉरी अपना और एक डायोड ले लूँ और ऐसा कनेक्ट कर दूँ, तो यहाँ से एक कनेक्शन आएगा, यहाँ से एक कनेक्शन आएगा और यहाँ से एक कनेक्शन आएगा. तो दिस इज द पी एंड दिस इज एन, जो है दोनों का एन इकट्ठा किया गया है वो इधर आ गया, राइट ना, करेक्ट. सो ये हो गया पी एन पी ट्रांजिस्टर. और उसको अगर उल्टा ज्वाइन करेंगे तो इसके तीन टर्मिनल्स आएंगे, तो ये पी एन पी हो गया, उसी प्रकार एन पी एन. लेकिन सिंबल ऐसा नहीं होता ट्रांजिस्टर का. तो भाई सिंबल कैसा होता है? सिंबल इज लाइक दिस, ये जो दिखाया गया है ऐसा सिंबल होता है, ऐसा सिंबल होता है. इज दिस ओके? याद रखने लायक इंपॉर्टेंट चीज यहां पर ये होती है कि इसमें एक एरो दिखाते हैं. एरो इज ऑलवेज शोन इन द एमिटर पार्ट. जहां कहीं एमिटर है, एरो से अपने को पता चलता है कि भाई ये एमिटर है. इसके तीन टर्मिनल्स होंगे, तो एरो अगर जहां पर होता है ना सिंबल के अंदर, वो अगर एमिटर लिखा भी हो या ना भी लिखा हो, लेकिन वो बाय डिफॉल्ट तुम्हारा क्या होगा? एमिटर होगा. और जो ये बीच में जो होगा उसको बेस कहेंगे, और तीसरा आएगा कलेक्टर. तो कभी भी अगर आपको ऐसा कुछ दिया हुआ है, इफ यू आर गिवन दिस काइंड ऑफ थिंग, अगर ऐसा दिया है या समझिए वो कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है, चलिए इसको आप इसमें से क्या है कौन सा बताइए? एरो वाला एमिटर है. ये जो दोनों के बीच में होता है वो बेस होता है और ये कलेक्टर होता है. इधर कैसे होगा बताइए? एरो वाला एमिटर है, इसके सामने वाला कलेक्टर है और ये बेस है, क्या समझे? अच्छा, अब एरो जो है भाई, वो एरो कैसे हो सकता है? एरो कैसे भी हो सकता है. एरो कैन बी लाइक दिस ऑल्सो, इनवर्ड भी हो सकता है, आउटवर्ड भी हो सकता है. हाउ इज दैट? ये ऐसा भी हो सकता है एरो, या फिर उसको इनवर्ड भी हो सकता है, इस तरफ भी हो सकता है. तो एरो क्या इंडिकेट करता है? एरो इंडिकेट्स फ्रॉम पॉजिटिव टू निगेटिव. एरो क्या इंडिकेट करता है? हाँ, तो इसका मतलब क्या है आप मुझे समझाइए. अगर इधर से इधर जा रहा है
तो एमिटर इज पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, ये एन की तरफ जा रहा है, तो बेस इज एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, और पी एन के बाद पी ही आता है, पीएनपी होता है ना, इज दिस ओके? ये अंदर की तरफ एरो है, तो भैया एरो अगर बाहर की तरफ होगा तो कैसे होगा जी? ये है पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ जा रही है, तो ये पी होगा, ये एन होगा, और अगर ये ई है एन है तो ये भी एन होगा, सो दिस इज एन पी एन टाइप ऑफ ट्रांजिशन। ये समझा ना रे, इज दिस ओके? एरो का डायरेक्शन आपको बताता है वो पी एन पी है या एन पी एन है, और एरो का पोजिशन आपको बताता है वो एमिटर है, दैट्स इट। इसमें इससे ज़्यादा कुछ देखना नहीं है, समझ में आ गया? हाँ, अब ये उसका सिंबल है, स्कीमेटिक डायग्राम जब हम बनाते हैं तो वो कुछ इस प्रकार से होता है। देखिए, दिस इज द स्कीमेटिक डायग्राम, दिस इज पी एन पी एंड एन पी एन। याद रखिए, पी एन पी या एन पी एन में, पी एन पी या एन पी एन में तीनों कभी सेम साइज के नहीं होते, एक थिन होता है, एक ब्रॉड होता है, और एक एक्स्ट्रा ब्रॉड होता है, दिख रहा है? ऑलवेज रिमेंबर, ठीक है? तो जो थिन होता है, जो बीच में होता है, ये बेस होता है, इज दिस ओके? जो एक्स्ट्रा वाइड होता है वो हमेशा कलेक्टर होता है। मेरे को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और कुछ नोट भी करने की जरूरत नहीं है। जो एकदम थिन होता है वो बेस होता है, एकदम एक्स्ट्रा वाइड होता है वो कलेक्टर, और तीसरा जो होता है, हाँ, विड्थ के हिसाब से बता रहा हूँ। अब दूसरा मैं चीज आपको बताने जा रहा हूँ जिसमें वर्किंग आपको समझ में आएगा, जो अभी मैं बताने जा रहा हूँ, द अमाउंट ऑफ डोपिंग। डोपिंग क्या होता है, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया, एडिंग ऑफ इम्प्योरिटीज इज कॉल्ड एज डोपिंग। बड़बड़ बंद कर, मधे मधे बड़बड़ कुणीही करू नका, फक्त मी बोलणार, फालतूच्या कॉमेंट्स केले का मुस्काड फोडीन तिथे येऊन, अजिबात मला फालतूच्या कॉमेंट नाहीत पाहिजेत, गप बसायचं, थोबाड बंद करायची। हाँ, सो यहाँ पे मैं क्या बता रहा था कि अमाउंट ऑफ डोपिंग जो है वो, अब डोपिंग दो तरह के डोपिंग होते हैं, एक ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी होता है, एक पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी होता है। इसका फाउंडेशन 11th स्टैंडर्ड का जो चैप्टर है उससे चला जाता है, लेकिन उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पार्ट मैंने लास्ट लेक्चर में कवर किया हुआ है। दो टाइप्स के इम्प्योरिटीज होते हैं, एक होता है ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी, दूसरा होता है पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी, बराबर है क्या? ट्राईवेलेंट और पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी, तो उस हिसाब से अगर पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी होता है तो एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी मतलब शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रॉन, पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, ये आपको पता है, ठीक है ना? अच्छा, तो हम एक डोपिंग का एटम अगर उसमें ऐड करें तो एक पी या एन आता है, मतलब एक होल आता है या फिर एक इलेक्ट्रॉन आता है। जितने ज्यादा एटम्स आप ऐड करोगे उतने ज्यादा होल्स या इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट होंगे, राइट? सो अगर मैं डोपिंग का लेवल बढ़ा दूं तो नंबर ऑफ होल्स या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे, सिंपल, ठीक है? अब आते हैं इसके ऊपर, नाउ लेट्स लेट्स कम बैक टू दिस पार्ट। अरे, आई नीड टू पुट दिस ऑन। यप, मैं आपको बताने जा रहा हूँ भाई लेवल ऑफ डोपिंग, आई एम गोइंग टू टेल यू व्हाट इज द लेवल ऑफ डोपिंग। तो बेस इज ऑलवेज, लिख लो ये आपके टेक्सट बुक के अंदर, इंपॉर्टेंट है, लाइटली डोप्ड, बेस इज ऑलवेज लाइटली डोप्ड। इसका वर्किंग समझने के लिए ये डोपिंग लेवल पता होना, समझ में आना इंपॉर्टेंट है। लाइटली डोप्ड, एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहां पर बोलता हूं द डोपिंग लेवल इज लाइटली डोप, कितना भाई? 5%, कितना? 5%, ठीक है? ओके, एमिटर जो होता है ना, एमिटर इज ऑलवेज हेविली डोप्ड, हेविली डोप्ड भाई, इसको जबरदस्त डोपिंग लेवल इसका बहुत ज्यादा होता है। कितना हो सकता है? मैं बोलूंगा इसके 100% डोपिंग होता है, ठीक है? एंड कलेक्टर जो सबसे वाइड होता है, इट इज मॉडरेटली डोप्ड, मॉडरेटली डोप्ड। और आपको इसका वर्किंग समझ में आए इसके लिए मैं डोपिंग का परसेंटेज कुछ अज्यूम कर रहा हूं या ले रहा हूं यहां पे, कितना? तो दिस इज मॉडरेटली मतलब 95%, मॉडरेट, हेविली डोप 100%, एंड लाइटली डोप 5%। ये 100, 5, 95, इंपॉर्टेंट थिंग इन अंडरस्टैंडिंग द वर्किंग ऑफ पी एन पी और एन पी एन ट्रांजिस्टर। अगर आप ये अभी यहाँ पे समझ लो, अभी आपको इमीजिएटली विल गो फॉर द वर्किंग नाउ, तो आपको समझ में आ जाएगा वो, समझ में आ गई बात? यस।
एक बात बताइए आप मुझे कि यहाँ पे अगर ये पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, बेस इज अ पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर्स, तो ये 5% मतलब इसमें 5% क्या है? होल्स है, पी बोले तो होल्स। यहां पर ये 95% है एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, मतलब इसमें 95 क्या है? 95% इलेक्ट्रॉन्स है, और यहां पर क्या है? 100% इलेक्ट्रॉन्स। आई बात समझ में? सिमिलरली इफ आई एम टॉकिंग अबाउट पी एन पी ट्रांजिस्टर, बेस इज लाइटली डोप्ड, लाइटली डोप्ड मतलब इसमें 5% क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इसमें 95% क्या होंगे? होल्स होंगे, और इसमें 100% क्या होंगे? इज दैट अंडरस्टूड? इज दैट क्लियर? दिस इज द सेकेंड इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस। अब इसके बाद अब हम चलते हैं इसके वर्किंग पे, ठीक है? तो लेट्स गो फॉर द वर्किंग ऑफ दिस नाउ। इसके वर्किंग हम देख लेते हैं। वर्किंग देखने के लिए इसको अलग अलग मोड में लगाया जाता है। बोले तो लेट मी जस्ट एक्सप्लेन यू हियर कि भाई ऐसे एमिटर बेस कलेक्टर, एमिटर बेस कलेक्टर, ठीक है ना? तो उसे अगर हम सर्किट में लगा देते हैं, इफ आई पुट इट इन द सर्किट, तो वो सर्किट यहां पर बाजू में दिखाया गया है, देखो द सर्किट इज शोन हियर। अब विड्थ के हिसाब से आप मुझे बताइए, ये पी रीजन ये क्या है? बेस है, ये एमिटर और ये कलेक्टर, समझ में आ गया? दोनों तरफ मैं बैटरी लगा दूंगा, इस सर्किट को बोलेंगे हम इनपुट सर्किट और इस सर्किट को बोलेंगे आउटपुट सर्किट। इज दिस ओके? वी विल ऑलवेज मेक श्योर, वी विल ऑलवेज मेक श्योर कि भैया इनपुट सर्किट इज ऑलवेज फॉरवर्ड बायस, इनपुट सर्किट इज ऑलवेज ओके। एंड फिर ये डिपेंड करेगा कि यहां पर क्या है, लेकिन शुरुआत हम यहां से ऐसे करेंगे। इज दैट क्लियर? यू विल ऑलवेज 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 फाइंड दैट दिस इनपुट सर्किट इज फॉरवर्ड बायस एंड द आउटपुट सर्किट इज ऑलवेज रिवर्स बायस्ड। याद रखिए, समझे? ठीक है, आफ्टर नोइंग दीज प्रिलिमिनरीज एंड प्रीरिक्विजिट्स, अब हम इसका वर्किंग शुरू करते हैं देखना। ठीक है, यहां पर जो सर्किट है, इस सर्किट में इनपुट और आउटपुट सर्किट के लिए कौन सा टर्मिनल कॉमन यूज किया जा रहा है? बेस। सो दिस कॉन्फिगरेशन इज कॉल्ड एज सीबी कॉन्फिगरेशन, सीबी बोले तो कॉमन बेस, कॉमन बेस कॉन्फिगरेशन। इसे क्या कहेंगे हम लोग? कॉमन बेस कॉन्फिगरेशन। एनी डाउट्स अबाउट दिस? अगर यही कॉन्फिगरेशन आप कुछ इस प्रकार से यूज करोगे, व्हाट इज दिस? एमिटर। व्हाट इज दिस? एंड व्हाट इज दिस? कलेक्टर। अब अगर मेरा इनपुट सर्किट हम यहां पर लगा दे, ठीक है, और आउटपुट सर्किट अगर यहां पे लगा दे, नाउ दिस इज पी, दिस इज एन एंड पी, ठीक है ना? सॉरी, एन पी एन, सही है ना? अच्छा, कॉमन जो है उसको निगलेक्ट कर लो। इज दिस पी फॉरवर्ड बायस कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल? इज दिस एन रिवर्स बायस कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल? समझाना रे, बस हो गया। नाउ यहां पर कौन सा टर्मिनल है जो कॉमन है इनपुट और आउटपुट सर्किट के लिए? ये बेस नहीं है, इसको इंग्लिश में ई बोलते हैं। सो दिस इज कॉमन एमिटर कॉन्फिगरेशन, समझ में आ गई बात? हेलो, दिस इज कॉमन एमिटर कॉन्फिगरेशन, इज दैट क्लियर? दिस इज द इनपुट पार्ट ऑफ द सर्किट, दिस इज ऑलवेज फॉरवर्ड बायस एंड दिस इज द आउटपुट पार्ट ऑफ द सर्किट ऑलवेज रिवर्स बायस। एनी डाउट्स अबाउट दैट? तो यहां पर आपने यहां पे देखा है कॉमन बेस कॉन्फिगरेशन एंड दिस इज कॉल्ड एज कॉमन एमिटर कॉन्फिगरेशन। एनी डाउट्स? ये एक्सप्लेन करने के बाद थोड़ा सा ऊपर चला जाता हूं। यहां पे मैं देखिए यहां पे क्या दिया है, यहां पे इट सेज इन द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ बायसिंग द ट्रांजिस्टर, देखो देयर आर व्हाट डू यू से रिवर्स बायस, एक सेकंड, ईबी, देयर आर टू टाइप्स ऑफ कॉमन 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 बेस, सीबी एंड ईबी।
ये सी होना चाहिए। आपके इधर क्या प्रिंट है? सी है क्या? ये सी होना चाहिए। आपके यहाँ पे क्या प्रिंट है? छोड़ो, कोई बात नहीं, अब मैं एक्सप्लेन कर लेता हूँ यहाँ पे। यस प्लीज चेक किया यहाँ पे। दिस इज एन टाइप ऑफ सेमी कंडक्टर। अभी आपको 595 और 100 का हिसाब लगाना है। जो पूछा था मैंने वो अभी आपको यहाँ पर अप्लाई करना है। दिस वी विल बी अप्लाइंग एवरीवेयर। दोनों सर्किट्स के लिए हम अभी ये अप्लाई करेंगे। इनफैक्ट वो जिसको समझ में आ गया उसमें उसको ट्रांजिस्टर सारे समझ में आ गए। 595 100 का गणित है वो। देखिए यहाँ पे गौर से देखिए, ये कौन सा, मैं आपको क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आपको जवाब देने हैं। दिस इज एमिटर, एमिटर का डोपिंग लेवल 100%। तो मैं यहाँ पर 100 लिखता हूँ। अब ये क्या है एक्चुअली? इज दिस द एन टाइप? मतलब यहाँ पर 100 क्या होंगे? 100 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, सही है, जो ये बाउंड्री क्रॉस करके इधर आते हैं। 100 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से बाउंड्री क्रॉस करके आ गए। सो यहाँ पर 100 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, इसलिए उन्होंने यहाँ पर मेनी इलेक्ट्रॉन्स लिखा है। क्या लिखा है? बाउंड्री क्रॉस करके इधर आ गए। नाउ दिस इज बेस, बेस इज लाइटली डोप 5%। पी टाइप है, मतलब क्या है? होल्स। तो इन 100 में से सिर्फ 5 इलेक्ट्रॉन्स को ही यहां पर होल्स के साथ रिकॉम्बिनेशन करने को मिलेगा, बाकी के 95 कहाँ जाएंगे? पेंट ठेव ना बाजूला, पेंट ठेव, खाली लक्ष दे, काही चाळे करू नका, फक्त लक्ष दे। सिर्फ 5 इलेक्ट्रॉन को यहां पर रिकॉम्बाइन करने के लिए होल्स मिल जाते हैं, बराबर है? तो बाकी के 95 इलेक्ट्रॉन्स, 95 इलेक्ट्रॉन्स जो वो यहां पे चले जाते हैं, वो यहां पे चले जाते हैं। 95 इलेक्ट्रॉन्स दे क्रॉस, दे कम हियर। नाउ दिस एंड इज कनेक्टेड टू व्हाट? ये एंड जो है वो कहां कनेक्ट किया गया है? पॉजिटिव टर्मिनल। तो इस 95 इलेक्ट्रॉन्स को यहां पर वो खींच लेता है पॉजिटिव टर्मिनल अपने साथ रिकॉम्बाइन करने के लिए। इज दैट अंडरस्टूड? इज दैट क्लियर? इज दैट ओके? प्लीज बी अटेंटिव। इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में कन्वेंशनल करंट फ्लो होता है, अपोजिट डायरेक्शन में। तो इलेक्ट्रॉन्स यहां से अंदर जा रहे हैं तो करंट यहां से, क्या बात, समझ में आ गई बात? तो यहां से करंट बाहर आएगा। भैया इस करंट को हम कौन सा करंट बोलेंगे? बेस करंट। आई कॉल दिस इज आई बी। इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ जा रहे हैं तो करंट यहां से अंदर जाएगा। इज दिस क्लियर? दिस इज गोइंग इन द कलेक्टर, सो आई कॉल दिस इज आई सी। इलेक्ट्रॉन्स यहां से नीचे जा रहे हैं तो करंट यहां से ऊपर आएगा। आई विल कॉल दिस एज आई बी, दिस इज आई ई एंड दिस इज आई सी। आई बी, आई सी, आई सी। तो अंदर की तरफ आई बी और आई सी जा रहा है और दोनों मिलके यहां पे तैयार होके आई आ रहा है। सो व्हाट इज, व्हाट आई विल राइट हियर? आई विल राइट इट एज आई बी प्लस आई सी इज इक्वल टू एमिटर करंट। एनी डाउट्स अबाउट दैट? दिस इज वेरी क्लियर? हेलो, यही लॉजिक होता है, इसके अलावा कोई लॉजिक नहीं होता है। आपको ये 95, 5 और 100 का गणित याद रखना है, डोपिंग लेवल याद रखना है, चाहे वो पीएनपी हो या एनपीएन हो। समझ में आ गई बात? तो ये मैंने आपको बेसिकली अभी एक बार एक्सप्लेन कर दिया और हर जगह पर वही होता है, ठीक है? ये देखिए, ये कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन है। जैसे मैंने आपको बताया कि इधर होगा तुम्हारा इनपुट पार्ट ऑफ द सर्किट और यहाँ पर होगा तुम्हारा आउटपुट पार्ट ऑफ द सर्किट, ठीक है ना? कॉमन एमिटर, पीएनपी हो या एनपीएन हो कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ ये एरो बदलेगा डायरेक्शन अपना। तो वहां पर तीन अलग अलग टाइप के कॉन्फ़िगरेशन होता है, एक कॉमन एमिटर होता है, एक कॉमन बेस होता है और कॉमन कलेक्टर होता है। लेकिन मोस्टली तुम्हारा कॉमन एमिटर और कॉमन बेस ही यूज किया जाता है, कॉमन कलेक्टर इज नॉट वाइडली यूज। इज दिस ओके? और हमारे लिए, हमारे पढ़ाई के लिए ये दो ही पहले वाले जो है वो इम्पोर्टेंट रहेंगे। आई होप आई एम क्लियर टू यू ऑल। ऑलराइट, फाइन फाइन फाइन। तो सेम चीज़ यहाँ पे दी है। नाउ आई विल गो फॉर एक्चुअल। तो देखिए, ये जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, कौन सा था फॉर्मूला? आई बी प्लस आई सी इज इक्वल टू आई, ये फॉर्मूला। आई बी प्लस आई सी इज इक्वल टू आई। आप लोग भी इसको बॉक्स में डाल दीजिएगा। इट इज ओके? समझ में आ गई बात?
क्योंकि एमिटर करंट कितना होता है 100, बेस 5 और ये 95। ये हमेशा हर जगह पर यही इक्वेशन होता है, क्योंकि बेस इज लाइटली डोप, कलेक्टर इज मॉडरेटली डोप एंड एमिटर इज हेविली डोप। समझे समझे? चलिए बहुत बढ़िया, अब हम चलते हैं आगे बढ़ते हैं। भैया ये कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है जरा बताइए। दिस इज कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन, दिस इज कॉमन एमिटर, और ये अगला वाला भी कॉमन एमिटर ही है, सेम है, सेम डायग्राम है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं दोनों डायग्राम्स में। अब जो मैंने आपको बताया था देखिए यहाँ पे गौर से, एक एक करके बताइए। दिस इज व्हाट, पी टाइप, ये एन टाइप और ये भी एन टाइप। ओके नाउ ये क्या है, एमिटर, ये क्या होगा बेस होगा, और ये क्या होगा कलेक्टर। तो ये कॉमन एमिटर है, इनपुट सर्किट जो होता है वो क्या होता है हमेशा फॉरवर्ड, बायसिंग देखा जाएगा इसका। अगर ये पी टाइप है तो दिस शुड बी कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल, है। दूसरा वाला भी पी है लेकिन वो उसको नहीं देखेंगे, सिर्फ हम यहाँ से जो है कॉमन वाले को नहीं देखना है। दिस इज आउटपुट सर्किट, इज दिस रिवर्स बायस, चेक करो रिवर्स बायस है क्या नहीं। दिस इज एन टाइप कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल, सही बोला सही बोला, बढ़िया। अब ऐसा है कि भैया यहाँ से फ्लो होने वाला करंट अगर मुझे मेजर करना है, इस करंट को क्या बोलेंगे हम लोग, बेस करंट, इसको बोलेंगे कलेक्टर करंट और इसको बोलेंगे एमिटर करंट, आई बी आई सी आई यू सी, ठीक है ना। ओके फाइन, अब अगर मुझे यहाँ पे उसका वोल्टेज मेजर करना है तो उसके लिए हम वोल्ट मीटर लगा सकते हैं। दिस इज द वोल्ट मीटर बिटवीन द बेस एंड एमिटर जंक्शन, इसलिए उसको वी बी ई कहा जाता है। इधर वी बी ई बोला आपको टेक्स्ट बुक में, आप लोगों देखोगे गौर से तो ये एकदम उन्होंने छोटा बनाया, अब ये उनका प्रॉब्लम है। इस दैट ओके, मत कर जो भी, चल ध्यान दे सर। तो फिर वो मिर्ची लगती है रे, बोल दूंगा ना मिर्ची लगती है, फिर मुंह सुजा के बैठेगा फालतू में, मुंह गिरा के बैठेगा, मत कर ठीक है ना। गुड इवनिंग आर्या, हाउ आर यू, या गुड गुड टू सी यू। यहाँ पे आप देखिए ऐसा है कि ये इनपुट सर्किट जो है, इनपुट सर्किट उसमें आप मुझे बताइए डायरेक्शन ऑफ करंट लो, डायरेक्शन ऑफ करंट लो। ये देखो ये पी है, द करंट विल ऑलवेज गो फ्रॉम पॉजिटिव टू निगेटिव, ठीक है। और वो परसेंटेज बताइए, 5%, 95%, 100%, जरा बताइए प्लीज। बेस इज 5%, कलेक्टर इज 90%, और ये अभी इसको एक्सप्लेन कैसे करोगे। यस गुड टू सी यू मैन। अब देखो यहां पर बेस जो कि पी टाइप है तो उसमें पांच क्या रहेंगे, होल्स। वो पांच होल जो है, पांच होल जो है उनको उसको हम अलग तरीके से बता सकते हैं। वेट हाँ, देर आर फाइव होल्स। यहां से दिस इज एन टाइप, एन टाइप में 100% डोपिंग है, तो यहां से एक्चुअली 100 इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ आएंगे, बराबर है क्या। 100 इलेक्ट्रॉन्स यहां पर बाउंड्री क्रॉस करके इधर आएंगे, लेकिन उनको सिर्फ फाइव क्या मिलेंगे, होल्स मिलेंगे, तो बाकी के 95 इधर जाएंगे, समझे। और इसके एग्जैक्टली ये तो मैंने इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बता दिया, होल्स का मतलब करंट फ्लो विल बी एग्जैक्टली अपोजिट टू दिस, यू सी, एनी डाउट्स अबाउट दैट, समझे क्या। तो दैट्स इट, दैट्स इट, इज दैट क्लियर। दिस इज कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन। बाकी इसको आप लोग सजा सकते हो कैसे, करंट मेजर करना है एमिटर लगा दो, वोल्टेज मेजर करना है वोल्ट मीटर लगा दो। ये वाला करंट बहुत छोटा होता है ना, बेस करंट इज वेरी स्मॉल, ओनली 5%, तो बहुत छोटा करंट है, तो छोटा वाला करंट मेजर करने के लिए माइक्रो एमिटर लगा दो। बहुत सिंपल लॉजिक है भाई इसका, इज दिस क्लियर। अच्छा इसको मैं वी बी ई क्यों बोलूंगा, बिकॉज इट इज गिविंग मी द वोल्टेज बिटवीन द बेस एंड द एमिटर, ओके बेटर
बैटरी इधर भी एक लगा दो, इधर भी एक लगा दो, आई बात समझ में? आई बात समझ में? हाँ पता है मेरे को, पॉइंटर नहीं दिख रहा, हाँ ढूंढना पड़ रहा है, रुको रुको मैं एक सेकेंड ना पेन अटेंशन में एक बार शुरू कर देता हूँ। थैंक्स थैंक्स फॉर इन्फॉर्मिंग मी, आई जस्ट डू दैट। ओके 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 नो प्रॉब्लम, जस्ट अ मिनट, आई जस्ट डू इट। वेट हाँ, मुझे भी वो प्रॉब्लम आ रही है, मैं बस अवॉइड कर रहा था लेकिन करना पड़ेगा। वो एक मिनट, मुझे भी नहीं दिख रहा, मुझे दिक्कत आ रही है उसके लिए, आई जस्ट डू समथिंग अबाउट इट, होल्ड ऑन प्लीज। अरे नहीं यार वो नहीं दिख रहा है, वो इसको नहीं कुछ कर रहा है, ये पागल है, छोड़ो उसको। आई थिंक दिस इज बेटर नाउ, चलो आ गया ठीक है, ओके सो चेक किया नाउ, आएगा आएगा वो भी आएगा, कोई दिक्कत जा रहा है वो, जा रहा है वही तो। नहीं वो जा रहा है, यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, बट इफ आई विल गो हियर और इट्स तो बेटा जाएगा। बोला ना, बोला चलो ठीक है, जा रहे हैं, टाइम जा रहा है। ओके तो यहाँ पे इसके बाद एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट अभी जो आपको मुझे बताना है कि कॉमन एमिटर जो है, आई जस्ट फिनिश हो गया, 5 मिनट के अंदर हो जाएगा अभी। कॉमन एमिटर जो है ऐसा है कि बेसिकली दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, काहे के लिए कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्यों इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता देता हूं। तो उसके लिए मुझे गेन चाहिए इसका, व्हाट इज द आउटपुट गेन, आउटपुट क्या होता है जी, हमेशा
आउटपुट गेन इज इक्वल टू, और या फिर मैं इसको बोल देता हूँ गेन, व्हाट इज गेन, गेन इज इक्वल टू आउटपुट अपॉन इनपुट, इसको हम कहते हैं गेन। सुनना, गेन इज कॉल्ड एज आउटपुट अपॉन इनपुट। तो आउटपुट क्या, तो आउटपुट करंट डिवाइडेड बाय इनपुट करंट। इस सर्किट को अगर मैं देखूं तो इस सर्किट का आउटपुट करंट कौन सा है, ये आईसी, आईसी। तो आई शुड से दिस इज आईसी अपॉन द इनपुट करंट इज दिस बेस करंट, आई विल कॉल दिस इज आईबी। जो हमको 5% 95% और 100% पता है उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो आईसी इज 95 अबाउट एंड अपॉन 5। तो इसका जो गेन है, आई विल डिनोट दिस गेन बाय बीटा, बीटा आई विल डिनोट दिस गेन बाय अ लेटर बीटा। बीटा इज द गेन, बीटा इज द, बड़ा करो क्या, ये बीटा इज द गेन, बीटा इज द गेन इन कॉमन एमिटर कॉन्फिगरेशन, बीटा इज द गेन इन कॉमन एमिटर कॉन्फिगरेशन एंड विच इज इक्वल टू हाउ मच, 95/5 अगर हम देखेंगे तो समवेयर अराउंड 19, 19-20 के करीब होता है। इज दिस क्लियर, इज दिस क्लियर, बीटा इज द गेन इन द कॉमन एमिटर कॉन्फिगरेशन, इज दिस ओके। सिमिलरली, सिमिलरली अगर हम इसको कॉमन बेस कॉन्फिगरेशन में लगा दें, इफ आई पुट इट इन द कॉमन बेस कॉन्फिगरेशन, कॉमन बेस कॉन्फिगरेशन कौन सा होगा भाई, कॉमन बेस पे कॉन्फिगरेशन होगा इसका, नहीं है दिया यहाँ पे, कोई दिया नहीं है। मैं यहाँ पर इसका छोटा सा स्केच बना देता हूँ कॉमन बेस कॉन्फिगरेशन का। कॉमन बेस किस तरह से दिखेगा, या ये बेस होगा इसका, ठीक है ना, दिस इज द बेस एंड यहां पर होगा तुम्हारा, या ये होगा तुम्हारा समझे एमिटर एंड ये होगा तुम्हारा कलेक्टर, इज दिस क्लियर। सो या दिस विल बी एन पी एन, फैंटास्टिक, वेरी गुड। अब मैं यहां पर क्या करूंगा भैया, इसको फॉरवर्ड बायस करना है, तो एन इज टू बी कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, और ये हो गया तुम्हारा फॉरवर्ड बायस्ड इनपुट सर्किट, ये दिस इज टू बी कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, ये हो गया तुम्हारा रिवर्स बायस के अंडर आउटपुट सर्किट, इज दिस ओके। बेसिक सर्किट ड्रॉ किया है, उसको आप बाद में इसको सजाते बैठ सकते हो, डेकोरेशन कर सकते हो, वहाँ पे एमिटर, ये यहाँ पे एमिटर डाल दीजिएगा, वोल्टमीटर डाल दीजिएगा दोनों तरफ, रियोस्टैट डाल दीजिएगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है ना। तो अभी मुझे यहाँ पे बताइए, जो भी है इसमें से व्हाट इज द गेन, आईसी आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट, विच इज द आउटपुट करंट, आई सी एंड आई ई, तो कितना आएगा, सी, सी इज द कलेक्टर, कलेक्टर इज 95%, दिस इज 100% एंड दिस इज 5%। तो कैन यू एक्सप्लेन मी हियर व्हाट इट इज गोइंग टू बी, दिस इज 95/100, सो दिस इज 0.95 एंड इट इज इक्वल टू लेस देन 1, इज दिस ओके। एनी डाउट्स अबाउट दैट, करंट गेन इन द कॉमन एमिटर इज कॉल्ड एज अल्फा, कॉमन बेस इज कॉल्ड एज अल्फा, इज दिस ओके। व्हाट इज अल्फा, अल्फा इज द रेशियो ऑफ आई सी अपॉन आई ई, क्या समझे, अल्फा इज द रेशियो ऑफ आई सी अपॉन आई एंड बीटा इज द रेशियो ऑफ आई सी अपॉन आई बी, एनी डाउट्स अबाउट दैट, इज दिस क्लियर टू यू ऑल, इज दिस ओके। नाउ वी शुड नो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा, और वो रिलेशन आपको पूछते हो, अल्फा एंड बीटा का रिलेशन। आप मुझे एक बार बताइए, यहां से तीन इक्वेशन हमारे पास है, पहला इक्वेशन है आई सी प्लस आई बी इज इक्वल टू आई ई, दूसरा इक्वेशन है अल्फा इज द रेशियो ऑफ आई सी अपॉन आई ई एंड बीटा इज द रेशियो ऑफ आई सी अपॉन आई बी, इज दिस ओके। सो व्हाट विल बी 1/अल्फा, आई ई अपॉन सी, व्हाट इज 1/बीटा, आई बी अपॉन, एनी डाउट्स अबाउट दैट,
इज इज वेरी क्लियर। ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन में मैं थ्रू आउट डिवाइड करूंगा आईसी से, आई विल डिवाइड थ्रू आउट बाय आईसी, तो क्या मिलेगा मुझे, वन प्लस आई बी अपॉन आई सी इज इक्वल टू आई ई अपॉन आई सी। यू सी व्हाट डू यू सी, वन प्लस वन अपॉन बीटा इज इक्वल टू वन अपॉन अल्फा। भैया आप इसको ऐसा याद रखिए या जैसे चाहिए वैसा याद रखिए, इज दिस ओके, एनी डाउट्स अबाउट दैट? नाउ विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन आई कैन एक्सप्रेस अल्फा इन टर्म्स ऑफ बीटा और बीटा इन टर्म्स ऑफ अल्फा। एम आई क्लियर? लेट अस डू दैट। अगर मुझे अल्फा इन टर्म्स ऑफ बीटा चाहिए तो क्या करेंगे बताइए, टेक द एलसीएम हियर, बीटा प्लस वन अपॉन अल्फा, सॉरी बीटा प्लस वन अपॉन बीटा इज इक्वल टू वन अपॉन अल्फा, देयरफॉर व्हाट इज अल्फा इज इक्वल टू बीटा अपॉन वन प्लस बीटा या बीटा प्लस वन, यस और नो? दिस इज अल्फा एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ बीटा, उल्टा वन अपॉन बीटा इज इक्वल टू वन अपॉन अल्फा माइनस वन, वन माइनस अल्फा अपॉन अल्फा इज वन अपॉन बीटा एंड देयरफॉर बीटा इज इक्वल टू अल्फा अपॉन वन माइनस अल्फा। ये समझाना रे, लेट मी टेक यू टू द टेक्सबुक, टेक्सबुक में पेज नंबर कौन सा, यही देखो, ये दिया है, क्या दिया है, दिख रहा है, दिख रहा है, समझ में आया, कहां से आया, यहां से आया, इससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, बस हो गया, समझे क्या? उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक वगैरह बोल सकते हैं, बट आई विल नॉट रेकमेंड दैट। कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन बता दिया आपको, ट्रांजिस्टर, अच्छा और एक चीज मैं आपको बता रहा हूं, देखिए यहां पे व्हाट इज द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस कॉमन एमिटर, कॉमन एमिटर में आपका गेन जो है, आउटपुट जो है कितने गुना हो रहे, 19 गुना, 19 मतलब 19 टाइम्स, मतलब वॉट एवर इनपुट यू सप्लाई इट गेट्स मल्टीप्लाइड बाय, उठे 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 बस उठे बस, 19 टाइम्स भाई, पांच गुना, पांच का अगर इनपुट दे रहा है तो वो 95 हो रहा है, इसीलिए तो इसको गेन बोलते हैं ना। सो हाउ मेनी टाइम्स इट गेट्स मल्टीप्लाइड, 19 टाइम्स जब वो मल्टीप्लाई करता है तो उसको हम मल्टीप्लायर नहीं, इसको एम्पलीफायर ही बोल सकते हैं। तो ये जो है ना पीए सिस्टम, पब्लिक एड्रेस एम्पलीफायर जो बोलते हैं ना, आवाज को एम्पलीफाई करने वाला सिस्टम होता है, इसका ये बेसिक स्ट्रक्चर है। किसी भी डीजे सिस्टम जो होते हैं ना, बड़े बड़े रैक लगाते हैं, आप इतना छोटा बोलते हो एम्पलीफायर, इसका बेसिक ही है, दिस इज कॉल्ड एज, इसलिए इसको एज एन एम्पलीफायर, कॉमन एमिटर एम्पलीफिकेशन, कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन इज द एम्पलीफाइंग। ये देखिए यहां पे ऐसे क्या होता है एग्जैक्टली, इफ यू आर सप्लाइंग सम सिग्नल हियर, इट गेट्स एम्पलीफाइड 19 गुना अप्रॉक्स, मतलब वो उतनी बार उतने, इज दैट क्लियर? नाउ कैन यू कंट्रोल हाउ मेनी टाइम्स इट शुड गेट एम्पलीफाइड, यस You just control the doping level. आप डोपिंग लेवल उसको कंट्रोल करोगे तो यू कैन कंट्रोल हाउ मेनी टाइम्स इट हैज टू गेट एम्पलीफाइड। यो इज दिस ओके? नाउ दिस इज कॉल्ड एज द ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर, ठीक है? इसको ट्रांजिस्टर कौन सा वाला कॉन्फिगरेशन, कॉमन एमिटर वाला। ये देखिए यहां पर उसके ऊपर वो बोलते हैं ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर, कहा गया भाई, आजा ये रहा हेडिंग है ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर, ठीक है? और यहां पे क्या दिया है, कोई नहीं, सेम सर्किट दिया है जी, देखो कॉमन एमिटर है, यहां पे सिग्नल दिया है, वो सिग्नल यहां पर उतने टाइम्स एम्पलीफाई होके बाहर आएगा, बाकी सब सर्किट सेम है, बाकी वहां पर उन्होंने कोई नहीं लिपापोती करी है, मतलब डेकोरेशन किया हुआ है, हाँ डेकोरेशन, बेसिक सर्किट समझ में आ गया, इट कैन बी एनपीएन, इट कैन बी पीएनपी, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ओके इज दिस ओके? वर्किंग ऑफ दिस एज एन एम्पलीफायर, वही यहाँ पर अल्फा बीटा वो सब दिया हुआ है, देखो बीटा अल्फा वही चीज दिया हुआ है, सेम जो मैंने ऑलरेडी बता दिया है, इज दैट क्लियर? लॉजिक गेट्स के बारे में मैं कुछ भी नहीं बात करूंगा क्योंकि वो ऑलरेडी आपको पता है,
आप लोगों ने जो हमारा लॉजिक मैथमेटिकल लॉजिक चैप्टर देखा है, देखा है ट्रुथ टेबल एंड और, बराबर है ना? हाँ हाँ एक मिनट, जिनका नहीं है उनके लिए मैं बस ये 5 मिनट में खत्म करके, पांच हाँ लॉजिक गेट्स थैंक यू फॉर ट्रुथ टेबल जो आप लोगों ने लिखे हैं मैथमेटिकल लॉजिक में, वो ट्रू और फॉल्स में लिखे थे। जैसे कि अगर मैं आपको बता दूं कि इफ आई आस्क यू फॉर एंड पी एंड क्यू, क्या करोगे आप बताइए मुझे। इफ दिस इज पी, लिसन लिसन, जिनको जिनका नहीं है वो बताइए प्लीज, पी एंड क्यू प्लीज बताइए। आप लोगों ने किया है? नहीं है तो पढ़े पढ़े किया हो इसका भाई, अच्छा से ये देखिए यहाँ पे आएगा ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू, फॉल्स फॉल्स आएगा, राइट ना? तो ये आपको पता है दिस इज फॉर व्हाट, एंड गेट एंड स्टेटमेंट। अब यही स्टेटमेंट अगर आप इधर लिखोगे तो ट्रू के जगह पर आएगा 1, फॉल्स के जगह पर 0, और उसका जो ये आएगा व्हाट यू से नाउ दिस इज कॉल्ड एज द ट्रूथ टेबल। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? ट्रूथ टेबल। आई जस्ट कॉपी दिस ट्रूथ टेबल, यहां से उसको मैं उठा के कहीं पेस्ट कर देता हूँ। ओके नाउ इसी को अगर हम 0 और 1 में लिखेंगे तो इसको कहते हैं इनपुट आउटपुट टेबल। क्या कहेंगे इसको? इनपुट आउटपुट टेबल। ये देखिए यहां पे आ गया, आई जस्ट पेस्ट इट ओवर हियर, ठीक है ना? इसको कहते हैं इनपुट आउटपुट टेबल। लेकिन यहां पर ट्रू के जगह पर, ट्रू के जगह पर 1 आएगा, लेकिन इनपुट आउटपुट टेबल लिखते समय मुझे 0 पहले लिखना पड़ेगा। मतलब ये जो लास्ट वाला रो है ना एफ एफ, वो ऊपर चला जाएगा पहले में। आई बात समझ में? ये जो है लास्ट वाला जो है ना रो, ये जो है वो इधर पहला वाला चला जाएगा इधर, ऐसे। इज दिस क्लियर? तो 0 0 यहां पर क्या होता था हमारा? ट्रू ट्रू, ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स, ये भी फॉल्स और ये भी, ये फॉल्स आएगा। तो इसके एग्जैक्टली ऊपर 0 0 0 1 आएगा। इज दैट क्लियर? उल्टा मतलब टेबल का लॉजिक वही रहता है, सिर्फ लास्ट वाला रो पहले चला जाता है। 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1 इस तरीके से होगा। इज दिस ओके? ये एकदम क्या बोलते हैं इसको, सिंपल्स वाला चीज है और इसके मार्क्स आपने लूज नहीं करने हैं। दिस इज कॉल्ड एज एंड गेट। क्या बोलते हैं इसको? एंड गेट। वी कॉल दिस एज एंड गेट। और इसका ये सिंबल है, दिस इज कॉल्ड एज ट्रुथ टेबल, दिस इज कॉल्ड एज इनपुट आउटपुट टेबल। क्या करेंगे इसको? ट्रुथ टेबल नहीं, एक्चुअली कुछ लोग, टू बी मोर प्रिसाइज एंड स्पेसिफिक, दिस हैज टू बी कॉल्ड एज इनपुट आउटपुट टेबल। समझाना रही? इज दिस क्लियर? एनी डाउट्स अबाउट दैट? ऑलराइट ग्रेट। तो उसी प्रकार ये एंड था, उसी प्रकार तुम्हारा और भी रहता है, और भी रहता है। तो और के लिए क्या होगा मुझे जरा बताइए प्लीज, व्हाट इट विल बी? मैथमेटिकल लॉजिक में होता है पी क्यू, पी और क्यू, ठीक है ना? आउटपुट को यहां पर एंड में कैसे लिखते हैं देखिए, पी एंड क्यू, तो यहां पर उसको डॉट किया जाता है रे। इधर आउटपुट के लिए क्या करते हैं वो लोग? इसको डॉट करते हैं, डॉट। समझ में आ गया क्या? ए डॉट बी, ये एंड होता है जिसको हम यहाँ पर एंड इस तरीके से दिखा रहे थे। ये सिर्फ थोड़ा सा चेंज है, इसको याद नो को डिस्कशन करो, नो को बड़बड़ नो करो, आजीवन नो करो, ठीक है ना? और यहाँ पर और इस तरीके से दिखाते हैं तो इधर ये प्लस में दिखाएंगे। इज दिस क्लियर? एनी डाउट्स अबाउट दैट? सिंबल अलग है भाई दोनों को, देखिए जो गेट है उसका सिंबल देखिए, इसका सिंबल किस प्रकार का है देख लिया आप लोगों ने? ये जो सिंबल है वो इस तरीके का है, ये इनपुट, ये इनपुट और ये उसका आउटपुट। हम लिखेंगे ए प्लस बी, ये और का है सॉरी, और ये एंड का सिंबल इस तरीके से होगा। समझ में आ गया? इज दिस ओके? अच्छा, और जो, अच्छा
इसको छोड़ के अब हमने जो ट्रुथ टेबल जो निगेशन वाला था, नॉट गेट नॉट, वो नॉट रहेगा। निगेशन वाला क्या था, पी का निगेशन था ट्रू का, निगेशन फॉल्स था, फॉल्स का निगेशन ट्रू था। नॉट तो उसी प्रकार से यहां पर एक होता है, इसे कहते हैं नॉट गेट। क्या कहते हैं इसको, नॉट गेट। ये देखिए इधर है नॉट, नॉट, दिस इज नॉट गेट। समझे, मतलब जीरो का वन बनेगा वन का, समझ में आ गई बात, ठीक है ना। इसे इन्वर्टर भी कहते हैं, इन्वर्ट करता है, कॉम्प्लीमेंट इनवर्ट इन्वर्ट सेम। कहते हैं, ठीक है ना। तो वाई इज इक्वल टू एक्स बार कहते हैं उसको, एक्स बार। जीरो का बनेगा वन, वन का बनेगा जीरो, इज दिस ओके। यहाँ पे देखिए ट्रायंगल, और यहाँ पर ये होता है गोल, ऐसे नॉट होता है, नॉट नॉट, इज दिस ओके। एनी डाउट्स अबाउट दैट। तो इस नॉट गेट को हम कंबाइन कर सकते हैं एंड और के अंदर भी, ठीक है ना। इसको हम कंबाइन कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए वो कैसे करना है, थोड़ा सा इसको भी छोटा करना पड़ेगा। प्लीज पे अटेंशन यार, जस्ट चेक हियर प्लीज। तो ये कौन सा गेट है भाई, और जिनका इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं है वो सिर्फ प्लीज आंसर करें। ये कौन सा गेट है, और दिख लिखा है ना यहाँ पे, दिस इज और गेट। और को अगर हम यहां पर अटैच करें नेगेशन, तो ये कहलाएगा नॉर गेट। समझे, नॉर गेट, इज दैट क्लियर। ये एडिशनल है, ठीक है। तो इसका सिंबल होगा वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी डैश, ये ऐसा होता है। और इसका सिंबल कैसे होगा, ये देखिए ऐसा होगा, और यहां पर एक नेगेशन लगा दिया, तो इस तरीके से होगा। मतलब इसको अगर मैं नेगेट करूंगा तो नॉर का आउटपुट आएगा 1000। क्या समझे, इज दैट क्लियर। उसी प्रकार हम इसका भी कर सकते हैं जी, वी कैन डू इट फॉर दिस ऑल्सो। इसको अगर मैं नेगेट कर दूंगा, मतलब इसको एक नॉट लगा दूंगा यहाँ पे, तो वो कैसा होगा जी, वो कैसा हो जाएगा, इट इज लाइक दिस, और इधर एक नॉट लगा दिया। तो ये दो इनपुट, उसका एक आउटपुट, दिस इज ए दिस इज बी, और इसका आउटपुट आएगा वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी डैश, सॉरी हाँ, ए प्लस बी ए डॉट बी डैश। समझ में आ गया, एनी डाउट। अच्छा, इसका जो आउटपुट आएगा उसको इन्वर्ट करेंगे, रिवर्ट करेंगे, मतलब ये आएगा 1110, जो कि आपको इधर दिखाई दे रहा है, दैट्स ऑल। इसके अंदर और एक एक्सॉर भी होता है ना, एक्सॉर, एक्सॉर है एक्सेप्ट एक्सक्लूसिव, और आप देख लीजिएगा उसको। मुझे लगता है मैं उसके ऊपर ज्यादा बात नहीं करूंगा अब, ठीक है ना, ठीक है ना, इज दिस ओके। सो देयर इज वन मोर व्हिच इज कॉल्ड एज एक्सक्लूसिवली और गेट, जो जिसका ट्रुथ टेबल आपको याद रखना पड़ेगा जी, इजी है। इसका इनपुट सेम रहेगा तो लो रहेगा, और अगर डिफरेंट रहेगा इनपुट तो तो हाई रहेगा, हाई रहेगा। उसका मैथमेटिक्स में कौन सा वाला था हमारा टेबल जिसके साथ वो कंपेयर करता है, नहीं मैथ में नहीं है, है, नहीं है, है। चेक कर लो, तुमने नहीं ढूंढा है। एक्सोर का ये ब्रैकेट के अंदर, सो देयर इज वन मोर, इज दैट क्लियर। मेरे ख्याल से बाकी इस चैप्टर में, सुनो यार मेरी बात सुनो, इस चैप्टर में जो इम्पोर्टेंट था वो मैंने यहाँ पर कवर कर दिया। अब और चीजें आपको ये समझ में आ गया अभी जो मैंने बताया, कुछ इसके फोटोज लेने हैं, ये जो मैंने एक्सप्लेन किया, आप लोगों ने वो 5% 95% लिख लिया, अल्फा बीटा लिख दिया, तीन इक्वेशन से अल्फा इन टर्म्स ऑफ बीटा, बीटा इन टर्म्स ऑफ अल्फा, वो लिख दिया ना, बस बस वही इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसके अलावा क्योंकि जो इंपॉर्टेंट है मैंने आपको बोला कि भाई मार्क करवा कर दो टेक्स्ट बुक के अंदर, हाँ। इसके अलावा इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट बस इस चैप्टर में ये है, और इसके अलावा दो चीजें और हैं जो शॉर्ट नोट के ऊपर पूछते हैं, शॉर्ट नोट्स उसके ऊपर पूछते हैं। एक है, सुनो मेरी बात, हाँ, थ्योरी होता है उसमें इंपॉर्टेंट है डायग्राम, सोलर सेल, सोलर सेल, और दूसरा है फोटोडायोड। वो डायग्राम्स आप देख लो, सोलर, ये मैंने आपको एलईडी तो एक्सप्लेन कर दिया है लास्ट लेक्चर में। तो अब मैं आपके लिए क्या छोड़ रहा हूँ, सोलर सेल, सोलर सेल एक कीजिएगा, यूजेस ऑफ सोलर सेल, मतलब ये पहले, इसके पहले देखो यहाँ पर है वो, अच्छा कहाँ गया यार, शायद यहाँ पर है ये रहा,
ये डायग्राम सोलर सेल का, दो डायग्राम सोलर सेल के इंपॉर्टेंट है, कौन से? ये एक सेपरेशन ऑफ सेल्स, ये वाला डायग्राम, ठीक है, ये डायग्राम, और इसके बाद ये जो ग्राफ है वो, यार वो आप लोग पढ़ लेना। सोलर सेल के बारे में कुछ भी वो पूछेंगे, ये उसके वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स, बस ये दो डायग्राम्स, और उसका जो डायग्राम, उसका जो पहला वाला डायग्राम उसको एक्सप्लेन करता हूँ, दैट्स इट। मतलब सोलर सेल के बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन, ये आप पढ़ लीजिएगा, मैं आपको अभी ये एक्सप्लेन नहीं करूँगा, ठीक है ना, इज दैट क्लियर? दूसरी बात जो है सोलर सेल के अलावा और है फोटोडायोड, उसका भी डायग्राम, ये सोलर सेल का ये वाला भी डायग्राम कर लीजिएगा, दो तीन डायग्राम्स, जिसमें दो है उसके कंस्ट्रक्शनल डिटेल्स और एक ग्राफ। सोलर सेल शॉर्ट नोट कितने मार्क के लिए पूछा होगा अभी तक तुम लोगों ने क्वेश्चन देखे, कितने मार्क के लिए? तीन मार्क के लिए कम से कम पूछ लेते हो, तीन मार्क के लिए डायग्राम ड्रॉ करोगे विथ लेबलिंग, विथ लेबलिंग, तो तुम्हारे दो मार्क फिक्स है। कुछ कमेंट्री लिख दो, मिल गई थी, समझ में आ गया, ठीक है ना, इसमें ज्यादा बाकी कुछ नहीं करना है। दूसरा फोटोडायोड, सेम थिंग, फोटोडायोड का भी क्या करना है, ये एक डायग्राम, दो है, दो, ये दूसरा डायग्राम, ये नहीं, दिस इज नॉट दिस वन, ये वाला दूसरा डायग्राम, बस ये दो डायग्राम कर लो, और ये वाला कैरेक्टरिस्टिक, बस तीसरा ये वाला मत करना, या तो नहीं, हाँ ये किया तो भी चलेगा, लेकिन ये दो डायग्राम बेसिकली जो मैंने पहले वाले बताए वो, दो मार्क फिक्स, सोलर सेल फोटोडायोड, मैं आपके जिम्मेदारी पे छोड़ रहा हूँ, बाकी सब ये चैप्टर का जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने कवर कर लिया है, इज दैट क्लियर? समझ में आ गई बात? ट्रांजिस्टर्स में, बस खाली ट्रांजिस्टर में मैंने आपको कॉमन बेस, कॉमन एमिटर, उसकी कॉन्फ़िगरेशन, उसका अल्फा बीटा, वो सब एक्सप्लेन कर दिया है, उसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, हाफ वे फुल वे पे क्वेश्चंस आते हैं, थ्योरी वाला होता है, तीन तीन मार्क का होता है, देखो फिजिक्स हो या फिजिक्स में कोई भी जरेगा ना, थ्योरी वाला सबसे इंपॉर्टेंट, प्लीज डू नॉट स्पेंड योर टाइम एंड एनर्जी इन राइटिंग एंड राइटिंग एंड राइटिंग, थ्योरी पार्ट हो या डेरिवेशन भी हो, डेरिवेशन में मैथमेटिकल एनालिसिस इंपॉर्टेंट है, थ्योरी पार्ट में सबसे ज़्यादा वो देखेंगे भाई इसने डायग्राम विथ प्रॉपर लेबलिंग ड्रॉ किया है कि नहीं, सिर्फ डायग्राम विदाउट लेबलिंग डजेंट कैरी एनी मीनिंग, डायग्राम और लेबलिंग है और आपने नीचे कुछ लिखा भी नहीं हो तो भी मार्क्स मिलेंगे, नीचे कुछ नहीं लिखा हो लेकिन फिर भी तीन में से दो मार्क आपको मिल जाएंगे, मैं बता रहा हूँ तुमको, सोलर सेल हो या फोटो डायोड हो, अगर उन्होंने बोला है और डायग्राम आपने सही तरीके से ड्रॉ किया है, आपको डायग्राम का ज़्यादा वेटेज रहता है, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, इज दैट क्लियर? मतलब कुछ लोग क्या करते हैं, नहीं नहीं मेरे को डायग्राम तो याद नहीं, मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, कुछ नहीं, हकाल देते उधर से, कुछ नहीं मिलता है, समझ में आया? चलिए, आई थिंक आई स्टॉप हियर, एंड मैथ्स तो आज नहीं हो पाएगा, ठीक है, तो मैं कल मैं मैथ्स का वो लाइन प्लेन का जो अगला पार्ट है वो कर लूंगा, ठीक है ना, कल खत्म कर लेते हैं उसको, उसके लिए मेरे ख्याल आधा घंटा बहुत ज्यादा हो जाएगा, ठीक है ना, अब ये हमारा ये ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, आई कंक्लूड हियर नाउ, हाँ ये इंपॉर्टेंट था, इजी था, और बच्चों को इसलिए वो छोड़ना नहीं है, ये बहुत थियोरेटिकल पार्ट है, इसको छोड़ो मत, हाँ लास्ट वाले जो चैप्टर से उसको अटेम्प्ट करो अच्छे से। कल कौन सा पेपर है अपने इधर, ठीक है, मैं बोल देता हूँ, मैम विल सेंड यू द डिटेल्स देयर, ओके, बाय 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 बाय।